आप भी अगर जीरो हो काइन मास्टर में तो मैं आपको हीरो बनाऊंगा, मैं इसकी पूरी गारंटी आपको देता हूँ। आपको जाना है प्ले स्टोर में, मैं प्ले स्टोर में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा काइन मास्टर, काइन मास्टर, और इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च कर दूँगा। तो मैंने सर्च कर दिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे काइन मास्टर आया है। तो यहाँ पे देखिए काइन मास्टर है, लेकिन यहाँ पे ओपन लिखा है। तो ओपन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है पहले से, और आप लोगों को अगर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले इसको यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा होगा आप लोगों में, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया है तो इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन दिखेगा, उसको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए मैंने बहुत दिन पहले ये किया था इंस्टॉल, तो यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो मैं बाद में अपडेट करूँगा, पहले आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो मैंने अपडेट लेटर कर दिया, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो रेशियो लेना चाहेंगे, ये रेशियो 6:16:9 है, 9:16 है, 1:1 है, 4:3 है, 3:4:4:5 को दिख रहा होगा, तो उसमें से आपको जो सूटेबल लगे आप ले सकते हो। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, तो मैंने ये मैं ये लेना चाहता हूँ, तो मैंने इसको पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके फ़ोन में जितने भी आइटम्स होंगे वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे इमेज ले सकते हैं, यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं, आप में जितने भी कुछ हैं तो आप इसमें से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये घर के जैसा एक सिंबल होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये म्यूज़िक हो गया, इसमें जितना जो भी आपको म्यूज़िक चाहिए वो आप डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद आपका साउंड इफ़ेक्ट्स हो गया, इसके बाद क्लिप ग्राफिक हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया और टेक्स्ट हो गया। तो आपको सबको अलग अलग से डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए न्यू है, न्यू में क्या क्या है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हो, इसको इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, तो आप इसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजिशंस, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आप देख देख के जो आपको लगे कि मुझे पोर्ट्रेट लगता है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम चलिए हम अब इसमें इमेज में आ जाते हैं। तो मान लो कि मैं ये ले लिया कोई भी एक कलर, और देखिए आप इसको उंगली के सहारे आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखो मैं ये यहाँ तक ले लिया, इसके बाद मैं यहाँ से कट करूँगा। यहाँ पे लेयर्स है, लेयर्स में देखिए आपको मीडिया इफ़ेक्ट्स स्टिकर्स टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, मैंने कुछ लिखा जैसे कि ये है, मान लो मेरा चैनल है लर्न न्यू, तो मैंने ये लिख लिया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। आप अपने उंगली के सहारे या अंगूठे के सहारे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये ए लिखा है, तो यहाँ डबल ए लिखा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें जितने भी फॉन्ट्स हैं वो आपको दिख जाएगा। देखिए ये दिख रहा है, इसके बाद डिस्प्ले में जितने भी हैं, हैंड राइटिंग जितने हैं, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पे आपको फॉन्ट्स दिखेगा। तो आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। तो मैं लो मान लो कि मैंने कोई कोई मैं मैंने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये लर्न न्यू का हो गया। अब यहाँ पे इन एनिमेशन, यहाँ पे आप यहाँ से कट भी कर सकते हो, कट करना है ये कट कर सकते हो। देखिए मैं उंगली के अंगूठे के सहारे में ऐसे कर रहा हूँ, तो मान लो कि मुझे यहाँ से कट करना है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको लेफ़्ट से करना है, लेफ़्ट पे करेंगे तो ये देखिए इधर से कटेगा। और देखिए ये अंडो है, अंडो जिस मान लो कि आपको आपने कुछ बाई मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे अंडो पे क्लिक करेंगे तो जो जैसा था वैसा हो जाएगा। अब मान लो कि अब मुझे ट्रिप टू राइट ऑफ प्ले हेड से क्लिक यानी कि उसको कट करना है, तो इधर करेंगे तो ये कट हो जाएगा इधर से, फिर अंडो कर लीजिए। अगर चाहेंगे आप मुझे 20 से कट करना, तो यहाँ पे 20 पे करेंगे तो 20 से कट हो गया, देखिए यहाँ पे दो हो गया। मान लो कि इसको अब मुझे डिलीट, मान लो कि मुझे ये डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप ये डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा एक, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, अब इसमें आपको कलर आपको चेंज करना, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे कलर पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए हो गया। आपके हिसाब से जो भी आपको कलर चाहिए सूटेबल जो लगे वो आप यहाँ पे देख के कर सकते हो।
यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट का एनिमेशन चेंज होगा। एनिमेशन मतलब कि अलग अलग स्टाइल में ये आएगा, जैसे देखिए ये ऐसे आया, ये इधर से आया, साइड लेफ्ट, साइड अप, साइड डाउन, क्लॉकवाइज, अलग अलग पैटर्न के यहाँ पे आपको एनिमेशंस मिलेगा। देखिए ये आपको सब दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अगर आप लोग अच्छे से सीख पा रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पैटर्न के यहाँ पे है एनिमेशन। मान लो कि मैं ये ले लिया, इसको आप आगे भी मतलब उसको स्लो और फास्ट भी कर सकते हो। देखो ये फास्ट हो गया, ये स्लो हो गया। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए ये हो गया। इसके बाद हम फिर जो लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या होता है ना, जब अब देखिए शुरू में ऐसे आया, चलो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर लास्ट में अचानक से कट हो जाता है। तो इसको और भी एनिमेशन डालने के लिए यहाँ पे और एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फैड डाल देंगे। फैड माने कि जैसे आप देखते होंगे मूवी सब में ऐसे जैसा डिजाइन ऐसा रहता है, तो मैं ऐसे कर दिया। अब देखिए पहले की अपेक्षा अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है। तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अल्फ़ा है तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये हो गया। इसके बाद आप सकते हैं रोटेट, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कैसा करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए ब्लेडिंग है, ये ओवर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ग्रीन हो गया, स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, लाइटिंग, डार्क एंड कलर। तो ये आपको जब आप कोई फ़ोटो में जब ये करेंगे तो आपको इसका जो इफ़ेक्ट्स है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऑप्शन, इसको आप कहाँ पे बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हो, मूवीज में जैसे रहता है तो आप इसको कर सकते हो, अंडरलाइन ला सकते हो, नीचे ला सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी है इसको यहाँ पे देख लीजिए। इस चीज़ में अगर इफेक्ट चलना चाहेंगे, कुछ भी चेंज करना चाहेंगे, तो उस चीज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन है तो आउटलाइन आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर ले लीजिए सबसे पहले। तो देखिए मैंने कलर ले लिया, कितना अच्छा लग रहा है पहले की अपेक्षा। तो मैंने इसको ये कर लिया। इसके बाद फिर ये देखिए मैं इसमें कलर ले लेता हूँ, कोई भी कलर हो, चाहे वाइट हो कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ये भी ले सकते थे, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पे इसको हटा देंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। अगर नहीं सीख अब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा अच्छे से। अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार नहीं बार बार देखो, ताकि आप लोगों को और भी समझ में आए। क्या होता है जब हम पहली बार जब कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग पहली बार करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता, बार बार अगर आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% हो जाता है। तो ये हो गया। तो बस अब यही सब करना है। अगर आपको मान लो कि आप पूरी वीडियो में आपको ऐसे ही डालना है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, इससे बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे ये हो गया लर्न मोड। देखिए अब मान लो कि आपको इसमें म्यूजिक डालना है तो ऑडियो में क्लिक करेंगे, ऑडियो में चले जाएंगे, और आप अपने आपके अगर फ़ोन में पहले से म्यूजिक है तो सॉन्ग में जाएंगे। आपके फ़ोन में जितने भी म्यूजिक है इसमें आपको दिखे दिखेगा। तो मान लो कि मैं ये कुछ भी मैं कोई भी डाल देता हूँ, देखिए ये सब अब आपके फ़ोन में जितने भी म्यूज़िक होंगे वो आपको दिखता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना ये म्यूज़िक का हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ना, अब आपको सुनने में आएगा।
हेलो फ्रेंड्स। तो बस यही सब है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से एडिट कीजिए, और अपना आपका जो सपना है एडिटर बनने का, या किसी का वीडियो देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाया है। तो मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये अपना काइन मास्टर ही यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को लेना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख पाए होंगे। आप लोग सीख पाए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इच्छुक हो सीखने का काइन मास्टर और फोटोशॉप। आगे बताएंगे कि उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं।